हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार, यू आर मोस्ट वेलकम इन N1 बायोलॉजी। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट किंगडम के बारे में, प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, फेनोरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में हमारे ऐसे प्लांट आते हैं विच डोंट बियर द सीड, जिनके पास सीड नहीं पाए जाते, जस्ट लाइक एल्गी, डायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और फेनोरोगैम्स में वो प्लांट आते हैं जिनको जिनके अंदर सीड पाए जाते हैं। तो इसके अंदर दो हैं हमारे, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने कल बात की थी कि जो नेट सीड प्लांट होते हैं इनके अंदर जो ओव्यूल है वो ओवरी से कवर्ड नहीं होता है, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियो इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एंजियोन एंड स्पर्म। एंजियोन मीन्स वेसल एंड स्पर्मा मीन्स सीड। वेसल्स को भी डिब्बा, यानी कि जिसमें आपका जो सीड है वो डिब्बे में बन रहा है। सीड जनरली आपका किसके अंदर पाए जाते हैं, फ्रूट के अंदर, तो फ्रूट को बोल दिया यहाँ पर वेसल। चाहे आपका पपीता है, सेब है, केला है, कोई भी जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है और जिनके अंदर सीड कवर्ड रहेंगे विद इन द ओवरी, यानी कि ओव्यूल्स, यहाँ पर ओवरी के द्वारा कवर्ड रहेगा, ओव्यूल सीड बनाएंगे और ओवरी फ्रूट बनाएगी, ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो है ये फ्लावरिंग प्लांट है और इसके अंदर ओव्यूल्स कवर्ड रहेगा बाय द ओवरी। और ये जो फ्लावर है इसका, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट ग्रुप क्या है हमारा, एंजियोस्पर्म। ये सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे ज्यादा प्लांट इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है हम बात करें इसकी, तो इसको, इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है से लेकर के बहुत टॉल ट्री तक हो सकता है। इतने टॉल नहीं कि जितने जिम्नोस्पर्म में होते थे 1000 फीट तक के, लेकिन ये बहुत लंबे हो सकते हैं। तो इसका जो स्मॉलेस्ट प्लांट है वो है वॉल्फिया। वॉल्फिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है और सबसे जो टॉल है वो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस आपने सभी ने देखा होगा कि बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं, लेकिन ये यूकेलिप्टस जो है एक इसका ड्रॉबैक भी है, बहुत ही ज्यादा नुकसान भी है कि ये जहां पर भी उगाए जाते हैं सबकी सारी की सारी नाइट्रोजन जो है आसपास की वो सारी की सारी सोख लेते हैं। तो इसको जो है लगाना लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि ये सारी की सारी नाइट्रोजन सोख लेता है। अब इसको डिवाइड किया गया है टू क्लासेस में, इट इज डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस। ये क्लासेस कौन सी है, डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लीफ, एम्ब्रियोनिक लीफ के बेस पर, यानी कि जो सीड की लीव्स है जिनको कोटिलीडन्स बोलते हैं, उनके बेसिस पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स। तो डाइकोटिलीडन्स क्या है, आप देखिएगा मटर है, चना है या जितनी भी आपकी दालें हैं, इसका जो सीड है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे प्लांट जिनका सीड दो पार्ट में डिवाइड हो जाए उनको बोलते हैं डाइकोटिलीडन्स। जस्ट लाइक पी है, चना है, रोज है, मस्टर्ड है, कॉटन है, मैंगो है, तो जो भी सीड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडन्स। और जहां पर सीड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, जितने भी सीरियल्स हैं आपके, ग्रासेस हैं, बनाना है, तो वहां पर सीड जो है दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता, उसको बोलते हैं मोनोकोटिलीडन। अब फ्लावर जो है कहां पर डेवलप होगा, फ्लावर इज द सूट मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन। इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, ये मॉडिफाइड है, यानी कि सूट का मॉडिफिकेशन है और रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है। तो ये इसका क्या है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जनरली रिप्रोडक्टिव पार्ट कहां पर आपके ग्रो कर रहे थे, अदर प्लांट्स में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म में, वो लीव्स के ऊपर ग्रो कर रहे थे, तो जो स्पोरोफिटिक फेस थी वो लीव्स के ऊपर थी, लेकिन यहाँ पर जो सूट है वो मॉडिफाई हो गया, बहुत एडवांस है, नए जमाने के हैं। तो इसमें जो है फ्लावर सूट का मॉडिफिकेशन है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, स्टेमन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है पिस्टिल और कार्पल। ये आप 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो फ्लावर की स्ट्रक्चर। फ्लावर में स्टेमन होता है और कार्पल होती है, कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सब पाए जाते हैं। ये सब आप 7th क्लास से पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जो नीचे है ये इसका स्टेम है, इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का आप ये देख रहे हैं ये इसकी सेपल्स है जो कि
फ्लोवर को प्रोटेक्शन देती हैं। ये इसकी पेटल्स हैं जो कि मोस्ट अट्रैक्टिव कलरफुल पार्ट होता है भाई। ये क्यों होता है कलरफुल? क्योंकि ये इंसेक्ट वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और पोलिनेशन में वो हेल्प कर सके। तो ये रंग बिरंगा होता है भाई। लेडीज आपने देखा है लिपा पोती करती हैं कई, लिपस्टिक जो है काजल वाजल ये सब, वो क्यों? अट्रैक्शन के लिए ना। ऐसे ही इसमें कलरफुल लीव्स होती हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को, बर्ड्स को, ताकि वो पोलिनेशन में हेल्प कर सके। तो ये तो इसके एसेंशियल पार्ट है, सेसेपल्स और पेटल्स। और जो एसेसरी ऑर्गन है यानी के वो सॉरी ये तो एसेसरी पार्ट है जो एसेंशियल है, आवश्यक है, वो क्या है? हमारा स्टेमन और कार्पल। तो ये जो स्टेमन है ये आपका ओवरी से अटैच रहेगा और स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। तो ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसका फिलामेंट होता है जो इसको पकड़े रखता है, और ऊपर क्या है? एंथर। एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, दो लोब्स में डिवाइड है। तो स्टेमन जो है एक फिलामेंट होगा और एक एंथर होगा, और इसके अंदर कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाता है। यानी कि ये आपका चूंकि ग्रीन, ये नॉन ग्रीन पार्ट है तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। तो स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और यह आप देख रहे हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। स्टिग्मा ये सबसे ऊपर क्या होता है? स्टिग्मा होता है। इसके नीचे एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है ये इसका स्टाइल है, और नीचे क्या होती है? ओवेरी होती है। इसी ओवेरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल। ये ओव्यूल एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये ओव्यूल जहां पर धसे होते हैं ना जिस रीजन में, उसको बोलते हैं लोक्यूल्स। तो ये है स्ट्रक्चर फ्लोवर की, और ये पूरा जो है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी मिलकर के क्या बना लेती है आपका? कार्पल्स। इसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स और पिस्टल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? स्टेमन है जिसके अंदर फिलामेंट और एंथर पाए जाएंगे, और ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, नॉन यानी कि नॉन ग्रीन पार्ट है, और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होती है फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर की, यानी कि मेल सेक्स स्पोर की फॉर्मेशन कहां होती है? स्टेमन के अंदर। तो द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड द स्टेमन इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर क्या है? पोलन ग्रेन। तो फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन इनसाइड द स्टेमन इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर है, वो कहां प्रोड्यूस होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं एंथर की इस लोब में, जो बाइलोब स्ट्रक्चर है एंथर की लोब में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसे एंथर के अंदर पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या पाया जाता है? ये देखिएगा, एंथर की स्ट्रक्चर थोड़ा बना रहा हूं। एंथर इस तरह से बाइलोब स्ट्रक्चर है ये, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाएंगे? माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे ये जो है इस तरह से माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी। क्या होंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनको मदर सेल क्यों बोलते हैं? पहले ही बताया है, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेंगी, दे बिहेव लाइक द मदर, तो इनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो पोलन ग्रेन्स एंथर लोब में प्रोड्यूस होंगे स्टेमन की। एंथर के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया, एंथर की लोब है, इसके अंदर ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगी? बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होंगी, और हर एक स्पोर मदर सेल जो है बाय द रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस के द्वारा क्या बनाएगी? बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनाएगी, जिनको हम क्या बोलते हैं? जनरली पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड इट हैपेन इनसाइड द एंथर लोब ऑफ स्टेमन। ये कहां पर हो रही है? स्टेमन की एंथर लोब में हो रही है, और स्टेमन में बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और हर एक स्पोर मदर सेल जो है वो क्या करेगी? मियोसिस के थ्रू बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनाएगी। अब इस पोलन ग्रेन के बाहर दो लेयर पाई जाएंगी, पोलन ग्रेन्स के बाहर दो लेयर होती हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है
अंदर सबसे बाहर वाली ये थिक होती है यानी कि मोटी होती है, और इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। और ये एक स्पेसिफिक केमिकल से बनी होती है, जिस केमिकल का नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। अब ये स्पोरोपोलेनिन जो है बहुत ही टफ सब्सटेंस होता है, बहुत ही टफ होता है, और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पोलन ग्रेन फ्रॉम डैमेज ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल। ये किसी भी डैमेज से इसको बचाने का काम करती है आउटर मोस्ट लेयर। और जो इनर मोस्ट लेयर है ये कैसी होती है, ये थिन होती है, इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स के आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एक्साइन, इनर मोस्ट लेयर क्या है, इंटाइन, एक्साइन किसकी बनी हुई है, एक्साइन इज मेड अप ऑफ पोरल स्पोरोपोलेनिन, या विच लेयर प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू पोलन ग्रेन फ्रॉम डैमेज। तो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करा रहा है, एक्साइन प्रोवाइड करा रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन विच इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इस पोलन ग्रेन से क्या बनेंगे, डेवलपमेंट होगा मेल गैमेटोफाइट का, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। वो कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा मेल गैमेटोफाइट का, तो पोलन ग्रेन जो है यानी कि माइक्रोस्पोर जो है ये मेल गैमेटोफाइट की क्या है, मदर सेल। जैसे यहां पर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल थी, ऐसे ही ये जो आपका पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स आर द पोलन ग्रेन्स, ये क्या है, आर मदर सेल ऑफ, मदर सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट की क्या है, पोलन ग्रेन्स मदर सेल है, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा पोलन ग्रेन्स, एंड पोलन ग्रेन्स डिवाइड, पोलन ग्रेन्स डिवाइड एंड फॉर्म टू अनइक्वल, टू अनइक्वल सेल। ये डिवाइड होकर के दो अनइक्वल सेल बनाएगा, एक जो होगी इसमें बड़ी वाली, ए लार्ज जनरेटिव सेल, एक तो बड़ी वाली क्या बना देगा, ये जनरेटिव सेल बना देगा, और ओ सॉरी जनरेटिव सेल तो होगी स्मॉलर, ए स्मॉलर जनरेटिव सेल एंड ए लार्जर वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। तो पोलन ग्रेन किसकी मदर सेल है, मदर सेल है मेल गैमेटोफाइट की। पोलन ग्रेन डिवाइड होगा, दो अनइक्वल सेल बनाएगा, एक छोटी बनाएगा जनरेटिव सेल और एक लार्ज बनाएगा वेजिटेटिव सेल। और यहां पर जो है जो जनरेटिव सेल होगी, ये जो जनरेटिव सेल होगी ये फिर से डिवाइड होगी, डिवाइड माइटोटिकली, इसमें फिर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के बाद ये क्या बनाएगा, ये दो नॉन मोटाइल, इट फॉर्म टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट, ये बना देगा दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट। इस तरह से आपका जो है एक पोलन ग्रेन से दो मेल गैमेट बनते हैं, इज इट क्लियर। अब इसके बाद आपका आता है, बात आएगी किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जो क्या है, कार्पल और पिस्टिल, जिसके अंदर आपका ओव्यूल के, ओव्यूल है, ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है ओवरी के अंदर, और यहां पर जो है आपका किस तरह से इसके अंदर एग बनेंगे, फिर आगे जाकर के किस तरह से उनमें फ्यूजन होगा, ये सब कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ओव्यूल क्या है, किसके अंदर प्रोटेक्टिव रहता है, ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट क्या होता है, म्यूसिलस क्या होता है, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक लिए आप, आई होप कि आपको जो भी बताया समझ में आया हो। एंजियोस्पर्म जो है वो आपका सीड बियरिंग प्लांट है, और जिनके अंदर फ्लावर पाए जाते हैं, सीड एनक्लोज रहेगा, इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, डाइकोट मोनोकोट। फ्लोवर इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लोवर के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो स्टेमन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल है, और जो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है यानी कि जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं, स्टेमन के
एंथर में, एंथर के अंदर आपका जो है माइक्रोस्पोरेंजिया इंक्लोज रहेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर न्यूक्लियर जो है बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी और हर एक स्पोर मदर सेल जो है वो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी रिडक्शन डिवीजन के द्वारा, और यहाँ पर माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाएंगे, पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन में दो लेयर है, एक्साइन और इंटाइन, और अब ये पोलन ग्रेन जो है ये क्या बनाएगी, मेल गैमेटोफाइट बनाएगी। कैसे, पोलन ग्रेन में डिवाइडेशन होगा, दो इनइक्वल सेल बनेंगी, एक छोटी जनरेटिव सेल और एक लार्जर वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल में फिर से माइटोसिस होगा और एक जनरेटिव सेल से दो मोटाइल मेल गैमेट बनेंगे। इज इट क्लियर? तो तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके सजेशन है, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।